everyone, welcome again. Real analysis के Riemann integration में काफी theorems definitions हम कर चुके हैं, main theorems भी काफी हमने कर लिए हैं. आज का जो video based है वो theorem पे based है, एक theorem में करवाने जा रहा हूँ. अब एक theorem का यहाँ पे ये meaning नहीं है कि video बहुत छोटा होने जा रहा है, क्योंकि जो theorem है बहुत important theorem है, तो इसको डिटेल में हम समझेंगे. पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन द फंक्शन एफ इज आर इंटीग्रेबल. देखिए स्टूडेंट्स, जो थ्योरम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो पुराने वीडियोज के ही यूज होंगे. तो आप वन बाई वन सीक्वेंस में पहले पुराने वीडियोज देखें, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद ही ये थ्योरम आपको समझ में आएगी. आर इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है? जब अपर और लोअर आर इंटीग्रेशन इक्वल होता है तो वो फंक्शन रीमैन इंटीग्रेबल होता है. अब वो रीमैन इंटीग्रेबल के लिए भी अपर और लोअर रीमैन इंटीग्रेशन के लिए आपको अपर या लोअर सम निकालना आना चाहिए, फिर इन्फिमम सुप्रीमम आना चाहिए, पार्टीशन आनी चाहिए, रिफाइनमेंट आना चाहिए. तो सीक्वेंस में आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, तभी आप ये वीडियो समझ पाएंगे. तो आइए इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक टर्म बताने जा रहा हूं, जो टर्म है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का ही यहाँ पे कंसेप्ट यूज होने जा रहा है. कंटिन्यूअस फंक्शन आपने एकेडमिक्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है. ज्योमेट्रिकली बात करें तो किसी फंक्शन का अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाता है. उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है? एक एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स. अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई. अब इसमें अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब हम इसमें जीरो वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी. और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी कि पॉइंट 1.1 हो गया. और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते रहेंगे अब इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा. ये 1 अपॉन x का ग्राफ मैंने बना दिया. और इसी ये कोई भी ग्राफ अगर किसी लाइन के पैरेलल बन जाता है इन्फिनिटी पर जाकर के उसको कट करता तो हम बोलते हैं एसिम्प्टोट. तो यानी कि एसिम्प्टोट का वर्क करेगा यहाँ पे. अच्छा, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है ध्यान से समझिएगा आप इसको. अगर मैं यहां पे जो इंटरवल है वो जीरो से इंफिनिटी का इंटरवल है. अगर मैं सपोज जीरो और वन का इंटरवल ले रहा हूं तो जीरो और वन के इंटरवल में जो इंटरवल है वो छोटा सा इंटरवल मैंने लिया हुआ है जीरो और वन. और फंक्शन की वैल्यू आप देखिए, इसमें जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी. और वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? वन. जीरो पे इन्फिनिटी है और वन पे क्या है? वन. तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर आप एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, छोटे से एक्स की वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं, और उस छोटे से इंटरवल में अगर फंक्शन की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता. तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जीरो और वन के बीच में तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा. तो एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्या समझने में आ रहा है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम एक इंटरवल में चेक कर. तो यहाँ पे इंटरवल जो है वो है क्लोज इंटरवल 0.1. इस 0.1 के क्लोज इंटरवल में हमने देखा कि x की वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो बहुत कम डिफरेंस होने के बाद भी फंक्शन की वैल्यूज में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है. तो अगर किसी इंटरवल में एक छोटा सा इंटरवल हम कंसिडर करें, उस छोटे से इंटरवल में अगर फंक्शन की वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस केस में वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा. ये ज्योमेट्रिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अब इसी तरीके से अगर मैं एक इंटरवल इसी में, इसी फंक्शन के केस में 1.2 का इंटरवल कंसिडर करूँ, इस 1.2 के इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 1. और 2 रखने पे कितना आएगा? 1/2. तो आप इस केस में देखिए कि जो x की वैल्यूज का डिफरेंस है वो छोटा सा इंटरवल मैंने लिया हुआ है 1 लेंथ का, और फंक्शन की वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी बहुत कम आ रहा है, 1 से 1/2 का वेरिएशन आ रहा है. यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है.
तो इस केस में ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक्स की छोटी सी वैल्यूज के डिफरेंस में फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस भी बहुत कम है। और इस केस में क्या होगा कि एक्स की वैल्यूज का जो डिफरेंस है उसकी करिस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये मैथमेटिकल एग्जाम्पल है। और एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसकी कि अगर किसी छोटे से इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू में एक वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाती है, कोई भी एक वैल्यू, तो उस केस में फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता। ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का कंसेप्ट है। अब अगर इससे हम रिजल्ट निकालें तो रिजल्ट क्या है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम एक इंटरवल में चेक करते हैं, और जो कंटिन्यूटी आप पढ़ के आए हुए हैं वो कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करते थे। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी इंटरवल पे चेक होगी, और कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। जो आप 11th 12th में पढ़ के आए हैं कंटिन्यूटी, उस कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब मैं इसको मैथमेटिकल अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर एक्स की दो वैल्यूज एक्स डैश और एक्स डबल डैश, इनका डिफरेंस अगर बहुत छोटा है और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इनके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स डैश और एफ एक्स डबल डैश, ये डिफरेंस भी बहुत कम है। अगर एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस भी बहुत कम है, तो उस केस में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है कि अगर किसी एक्स की वैल्यू हम किसी भी इंटरवल में एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस अगर हम बहुत कम ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस भी अगर बहुत कम आ रहा है, तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की कंडीशन हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। और एक रिजल्ट यहाँ पे आपको और याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है प्लस बाउंडेड है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और बाउंडेड है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। और अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसका हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की मैंने प्रैक्टिकल कंडीशन आपको बताई, थ्योरेटिकल डेफिनेशन से मैंने आपको बताया कि अगर एक्स की वैल्यूज के डिफरेंस बहुत कम है और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस भी कम है, तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस और बाउंडेड दोनों है, यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि इन्फिनिटी चला जा रहा है। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है मैं आपको पहले के वीडियोज में बता चुका हूँ। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, और अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो थ्योरम में देखिए आप एफ क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। इस यूनिफॉर्मली कंडीशन की कंडीशन को आप ध्यान रखिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस जो फंक्शन होता है वो कब होता है, देखिए यहां पे कि एफ क्या है, इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ए कॉमा बी पे इसका ग्राफ किसी भी ऑर्डर में बनेगा तो कंटिन्यूस दिया हुआ है, यानी कि ब्रेक नहीं हो रहा है, और ब्रेक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ए कॉमा बी के बीच में ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड हो गया। फिर बाउंडेड ही तो है, ए से ए पे ये फंक्शन की वैल्यू आ रही है, बी पे ये आ रही, तो इससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी, इससे बड़ी नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया। एंड एफ एस बाउंडेड, और अगर एफ कंटिन्यूस भी है बाउंडेड भी है तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देयरफॉर एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर बाउंडेड और कंटिन्यूस दोनों है तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। और कोई भी फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है, फॉर अब यहां पे जो मैंने अभी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की कंडीशन बताई आपको, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स डैश कॉमा एक्स डबल डैश बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, वी हैव क्या होगा, इस ए कॉम बी में अगर आप कोई भी एक छोटा सा इंटरवल एक्स डैश और एक्स डबल डैश का इंटरवल लोगे, छोटा सा इंटरवल है, तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत क्या होगा,
लेस देन एप्साइलन। और देखो बहुत छोटा अगर एप्साइलन हम ले रहे हैं तो एप्साइलन अपॉन वी माइनस ए भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको ऐसे समझिए, आप मैंने आपको बोला कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की कंडीशन क्या है कि अगर एक्स की बहुत छोटी वैल्यूज हम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस अगर ले रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस भी बहुत कम आना चाहिए। बहुत कम, बहुत छोटा नंबर क्या है, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन को अगर हम बी माइनस ए से डिवाइड कर दें, इस बी माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस जितना छोटा होगा, फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की कंडीशन को और अच्छे से सेटिस्फाई करेगा। तो ये फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस बहुत कम है व्हेनेवर एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस भी क्या है, बहुत कम हमने लिया हुआ है। ये कंडीशन को आप याद रखिए, ये कंडीशन हर एक ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट आप लोगे तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। ये हमने यहाँ पे ले लिया है। अब एक पार्टीशन हम ले लेते हैं, पार्टीशन हम पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं, राइट। पी इज इक्वल टू ए एक्स नॉट एक्स वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर से लेकर के एक्स एन इक्वल टू बी। बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन हमने ले लिया। और इस तरीके का पार्टीशन लिया है कि पी की जो नॉर्म है वो डेल्टा से छोटी है। ये भी मैं आपको पहले के वीडियोस में डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुका हूँ। नॉर्म का मतलब क्या है, इस इंटरवल में जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो भी डेल्टा से क्या होगी, डेल्टा से क्या होगी, छोटी होगी। ये हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। अब जो इसका आरएच सब इंटरवल है, आरएच सब इंटरवल की बात करें तो आई आर से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। आई आर यहाँ पे क्या है, एक्स आर माइनस वन एक्स आर। इस इंटरवल में फंक्शन की जो इन्फीमम वैल्यू है, इन्फीमम ऑफ एफ ये ले ले रहे हैं, और कैपिटल एम आर हम ले ले रहे हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एफ। देखिए स्मॉल एम आर क्या है, इस आर एच सब इंटरवल में, इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू एम आर है तो कोई ना कोई एक्स की वैल्यू पे ये वैल्यू आ रही होगी। और इसी सब इंटरवल में जो इस ये हमने सब इंटरवल लिया है, इसमें फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, कैपिटल एम आर, ये फंक्शन की वैल्यू है। तो यानी कि कोई ना कोई एक्स की वैल्यू ऐसे रही होगी जब फंक्शन की आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही होगी। तो सपोज हमने ये मान लिया कि जो फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू एम आर हमको स्मॉल एम आर मिल रहा है, वो कब मिल रहा है, जब हम एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं सी आर। तो इतना तो क्लियर है कि ये सी आर इसी के बीच से हमने लिया है, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम भी हमने इसी इंटरवल का लिया है। और ऐसे कैपिटल एम आर जो है वो भी किसी न किसी एक्स की वैल्यू को रखने पे आ रहा होगा, तो इसको हम मान लेते हैं एफ डी आर। ये दोनों किसकी वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हैं एक्स की और इसके बीच की वैल्यूज है, ये यहां पे क्लियर है। अब इक्वेशन वन का यूज करें, अगर हम इक्वेशन वन में क्या है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में एक्स की कोई भी वैल्यूज का डिफरेंस हम ले रहे हैं डेल से छोटा, तो ये जो इंटरवल है इसमें भी हमने बहुत छोटी सी वैल्यूज ली हुई है, तो इनका मॉड क्या होगा, छोटा है सी आर माइनस डी आर, ये हमने क्या लिया है, डेल से छोटा लिया है। देन अगर ये डेल से छोटा है तो इसका मतलब एफ सी आर माइनस एफ डी आर ये छोटा होगा एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। क्यों होगा छोटा, क्योंकि फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, हमको पहले से बताया। अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो एक्स की वैल्यूज में अगर डिफरेंस बहुत कम है तो फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ये हमको पता है पहले से। तो इस कंडीशन का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें एफ सी आर माइनस एफ डी आर, एफ सी आर देखिए, अब एफ सी आर क्या थी, एफ सी आर जो है फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, और एफ डी आर क्या है, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू इस इंटरवल में। तो अगर इसका मॉड निकाले और मैं इसको एफ डी आर को पहले लिख दूं और एफ सी आर को बाद में लिख दूं और इसके मॉड को हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू फोर है और सबसे बड़ी वैल्यू एट है, तो इसका मॉड कितना आएगा, माइनस फोर, और ये प्लस फोर बन जाएगा। अगर मैं इसका मॉड हटा दूं और एट को पहले और फोर को माइनस मैं बाद में लिख दूं तो तब भी प्लस फोर ही आना है, क्योंकि ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है और फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है इस इंटरवल में। इससे बड़ी वैल्यू आपको मिलनी नहीं है, इस
इसका मॉड अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको मतलब पॉजिटिव साइन कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर हमको इसका मॉड्यूलस हटाना है तो एफ डी आर को पहले लिख लेते हैं और एफ सी आर को बाद में लिख लेते हैं, और ये जो एफ डी आर है वो एफ डी आर किसके इक्वल लिया हुआ है हमने, एफ डी आर है कैपिटल एम आर के इक्वल और एफ सी आर किसके इक्वल है स्मॉल एम आर के इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये किससे छोटी है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, यानी कि ये वैल्यू किससे छोटी हो गई, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, और आर की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 से लेकर के एन तक, तो ये कंडीशन हमको अब मिल गई है। अब यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकालते हैं, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लोअर सम माइनस अपर सम, सॉरी अपर सम माइनस लोअर सम है, और इसका जो डिफरेंस होता है पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं, इसका प्रूफ मैंने आपको करा था, ये पॉजिटिव आएगा 0 से बड़ा आएगा, और यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, और एलपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, आर की वैल्यू कहाँ से गए हैं 1 से लेके एन, आर की वैल्यू 1 से एन यहाँ भी रख दिया हमने। अब आप देखिए डेल एक्स आर दोनों में आ रहा है और दोनों का समीशन सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, ये आ गया, और एम आर माइनस स्मॉल एम आर किससे छोटा है एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस है, तो हम क्या करते हैं इसको इसी इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की कंडीशन का यूज करके, जो कंडीशन मैंने लिखी हुई है इसी में अगर मैं दोनों साइड समेशन ले लूँ, यहाँ तो समेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, और दूसरा यहाँ डेल एक्स आर ले लिया और यहाँ भी डेल एक्स आर ले लिया, दोनों साइड डेल एक्स आर ले लिया, अब डेल एक्स आर लिया तो समेशन लेना पड़ेगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी, इस कंडीशन को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखिए आप, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए और समेशन डेल एक्स आर आर इक्वल टू 1 to n, बस बड़े इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, पहले के काफी वीडियोस में मैं डेल एक्स आर का एक्सपेंशन आपको करके दिखा चुका हूं, तो यहां पे मैं सीधे वैल्यू रख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या आती थी हमने पहले भी प्रूफ किया है, ये बनता था बी माइनस ए, ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। आपको याद होगा इसका जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करता है, या इस कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है कि वो एप्सिलॉन से छोटा यूपीएफ माइनस एलपीएफ आ जाए और वो 0 से बड़ा अगर रहे, 0 से बड़ा तो रहना ही रहना है, तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आर इंटीग्रेबल होता है। तो हमने ये थ्योरम पहले के वीडियो में कर ली थी, जिसने ये वीडियो नहीं देखा पहले इस वीडियो को देख सकता है, तो फंक्शन अगर आर इंटीग्रेबल है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करता ही करता है, तो हमने यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकाला और वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आर इंटीग्रेबल। तो एक कंक्लूजन में स्टार्टिंग में से यहाँ तक आपको बताऊँ तो फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस था और बाउंडेड था, तो फंक्शन कंटिन्यूस और बाउंडेड अगर दोनों था तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया तो उसके डेफिनेशन का यूज़ किया, और डेफिनेशन का यूज़ करके हमने यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकाला और ये इसको सिंप्लीफाई किया, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ किससे छोटा आ गया एप्सिलॉन से, अगर यूपीएफ माइनस एलपीएफ एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो फंक्शन क्या होता है आर इंटीग्रेबल, ये हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है तो वो फंक्शन क्या होगा आर इंटीग्रेबल, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो इस थ्योरम को आप ध्यान से समझें, पुराने वीडियोस में देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है ये, और इसी तरीके की थ्योरम्स आगे के वीडियोस में लाता रहूँगा।